हैं कि क्या सूरत हाल है और मेरी वाइफ कुलसुम किस हालत में है, और आप अच्छी तरह जानते हैं, देखते हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि वो मेरी बीवी हैं और जिस हालत से वो गुजर रही हैं, कुछ मेरे भी फ़राइज़ हैं जो मुझे अदा करने चाहिए, और मैं इंशाल्लाह उनको अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए और खैर करे, और इस मुश्किल घड़ी से अल्लाह ताला उनको भी निकाले और सारे मामले अल्लाह ठीक करे। तो अभी उनको कुछ इन्फेक्शन हुई हुई है पिछले दो दिन से, जिसकी वजह से उनको बुखार भी है, होश में तो अभी तक वो नहीं आई, और अभी तक बहुत सारी अभी जो सपोर्ट, जो मशीनी सपोर्ट के ज़रिए से अभी वो चल रही हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो सेहतियाब हो जाएंगी। बस आप भी दुआ करें, और जो भी दुआ कर रहे हैं मैं उन सब का बड़ा मशकूर और ममनून हूँ। वो तो मुसलसल रिव्यू कर रहे हैं और रोज़ कई कई मरतबा रिव्यू करते हैं कि सुबह कैसी रही, दोपहर कैसी रही, शाम रात कैसी रही। बस वो अभी मेरा ख्याल है कि एक एक मिनट उनकी अपना निगहदाश्त होती है। अभी इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं, आईसीयू जिसको कहते हैं, और पिछले 10-11 रोज से वो आईसीयू में ही हैं। तो ये सब परेशान करने के लिए किया जा रहा है, परेशान करने के लिए किया जा रहा है। जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। मेरा ख्याल है कि उनको करने दे जो वो करते हैं। बरतानवी मीडिया में जो खबर छपी है उसके लिए कुछ कहेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं। उसमें 21 प्रॉपर्टीज का उसको जिक्र है, इल्जाम बहुत बड़े संगीन लगाए गए। इमरान खान ने भी उसको तारीख पे तारीख कल फिर नैब कोर्ट में पेशी है, अगर इस्तिश्ना नहीं मिलती तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू, आपका शुक्रिया बहुत बहुत।